आप देखिए समाचार प्लस और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। एथेंस ओलंपिक के रजत पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने विश्व के पूर्व नंबर एक निशानेबाज रंजन सोनी और मोहम्मद असाब को पीछे छोड़कर 56वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। पुरुषों की डबल ट्रैप स्पर्धा में सेना के राठौर ने क्वालिफाइंग में 144 और फाइनल में 46 का स्कोर बनाकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया है। वहीं डबल ट्रैप जूनियर वर्ग का खिताब सहारनपुर के शान मसूद ने जीता। शान सीनियर वर्ग में चौथे स्थान पर रहे। मसूद ने कुल 136 का स्कोर किया। तो शान मसूद का गोल्ड पर कब्जा, मसूद ने कुल 136 का स्कोर किया। 56वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में राजवर्धन राठौर ने जीता है गोल्ड। डबल ट्रैप जूनियर वर्ग में शान मसूद ने जीता है गोल्ड। सीनियर वर्ग में शान चौथे स्थान पर रहे। शान ने कुल 136 का स्कोर किया। शान मसूद का गोल्ड पर कब्जा। तो एथेंस ओलंपिक के रजत पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने विश्व के पूर्व नंबर एक निशानेबाज रंजन सोडी और मोहम्मद असाब को पीछे छोड़कर 56वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। पुरुषों की डबल ट्रैप स्पर्धा में सेना के राठौर ने क्वालिफाइंग में 144 और फाइनल में 46 का स्कोर बनाकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। वहीं डबल ट्रैप जूनियर वर्ग का खिताब सहारनपुर के शान मसूद ने जीता। शान सीनियर वर्ग में चौथे स्थान पर रहे। मसूद ने कुल 136 का स्कोर किया। राजवर्धन राठौर ने जीता है गोल्ड। डबल ट्रैप जूनियर वर्ग में शान मसूद ने जीता है गोल्ड। सीनियर वर्ग में शान चौथे स्थान पर रहे। शान ने कुल 136 का स्कोर किया और गोल्ड पर कब्जा किया। तो 56वीं राष्ट्रीय राजवर्धन राठौर ने गोल्ड जीता है। डबल ट्रैप जूनियर वर्ग में शान मसूद ने ये गोल्ड जीता है। सीनियर वर्ग में शान चौथे स्थान पर रहे। शान ने कुल 136 का स्कोर किया। सीनियर वर्ग में चौथे स्थान पर रहे मसूद ने कुल 136 का स्कोर करते हुए गोल्ड पर कब्जा जमा लिया है। और आइए इस वक्त हमारे साथ खुद शान मसूद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शान जी, गोल्ड पर कब्जा किया है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। मैंने जूनियर्स में तीसरी बार गोल्ड जीता है जी, तो काफी अच्छा महसूस हो रहा है। सीनियर्स में भी अच्छा परफॉर्म करा, तो एक अच्छी अचीवमेंट रही। इस साल की शुरुआत काफी अच्छी रही, तो अच्छा महसूस हो रहा है जी। जब आप इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते परफॉर्म कर रहे थे, उस वक्त आपको कैसा लग रहा था, कितना आसान होगा आपके लिए गोल्ड जीत पाना? गोल्ड जीत पाना कभी भी आसान नहीं होता, और जैसे जैसे शूटिंग में नए लोग आ रहे हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। जूनियर्स में भी कॉम्पिटिशन, जो सिल्वर मेडल गया है वो मुझसे सिर्फ दो बर्ड नीचे गया है, और जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ता है इतना आसान नहीं होता। ऑब्वियसली आप पे प्रेशर होता है जी, प्रेशर टू परफॉर्म करने का प्रेशर, एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने का प्रेशर जी। तो प्रेशर था, लेकिन प्रेशर के बावजूद भी मैंने ठीक ठाक चलाई जी, तो एक अच्छी फीलिंग थी जी। शान जी, जिस स्तर पर आज आप हैं, क्या कुछ दिक्कतें आपको पेश आई, क्या कुछ आपने किया तब जाकर ये मुकाम आपने हासिल किया? मैं अभी एक ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं हूँ। मैंने जितना भी अचीव करा है जी, मैं उसका सबसे ज्यादा क्रेडिट अपने फादर को देता हूँ। उन्होंने मुझे हर जब मैंने बुरी चलाई तब सपोर्ट करा, जब मैंने अच्छी चलाई तो उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि तुम और अच्छा कर सकते हो जी। तो मेरी जितनी भी अचीवमेंट्स रही हैं आज तक जी, उसका सबसे बड़ा वो मेरे डैड को जाता है, अगर किसी को जाता है तो सिर्फ मेरे फादर को जी। उन्होंने मुझे सिखाया कि हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करा जाता है जी, अगर आप बुरी चला रहे हैं तो उसको कैसे हैंडल करें, अगर आप अच्छी चला रहे हैं तो उसको कैसे हैंडल करें जी। तो दिक्कतें ऑब्वियसली एक जब आप एक किसी स्पोर्ट में होते हैं तो और आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं जी, तो आप बहुत सारी दिक्कतें फेस करते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके घर वाले, आपके दोस्त आपको कैसे सपोर्ट करें जी, और अगर आपको अच्छा सपोर्ट मिलता है तो आप ऑब्वियसली अच्छा करते हैं। निशानेबाजी का शौक आपको कहाँ से मिला? निशानेबाजी का शौक भी मुझे मेरे फादर से लगा जी। दरअसल मेरे फादर ने पहले शूटिंग शुरू करी थी और उसके बाद उन्होंने मुझे शुरू करवाया जी, और शूटिंग जैसे जैसे मैं और करता गया, नेशनल्स के बाद और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन चलाए मैंने, वैसे वैसे शौक बढ़ता रहा
और आज मैं 3 बार जूनियर नेशनल चैंपियन रह चुका हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे साथ राष्ट्रीय जूनियर चैंपियन के निशानेबाज शान मसूद फोन लाइन पर जुड़े थे, जिनका कहना है कि काफी दिक्कतें पेश आई लेकिन जज्बा था, मेहनत की, जिसके बाद वो आज इस मुकाम पर हैं। गोल्ड पर उन्होंने कब्जा जमा लिया है और आगे भी वो बेहतर परफॉर्म करना चाहेंगे। तो आपको बता दें, शान मसूद ने गोल्ड पर कब्जा जमा लिया है, उन्होंने डबल ट्रैप जूनियर वर्ग में गोल्ड पर कब्जा किया। सीनियर वर्ग में शान चौथे स्थान पर रहे। अपने फादर से उन्हें ये शौक मिला और इस शौक को उन्होंने करियर में तब्दील कर दिया। आज गोल्ड मेडलिस्ट हैं शान मसूद। और इस वक्त हमारे साथ निशानेबाज रोंजन सोड़ी इस वक्त जुड़ गए हैं। रोंजन जी, सबसे पहले स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। सोड़ी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? सोड़ी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ी आवाज आ रही है। स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। थैंक यू जी, थैंक यू जी। आप जिस तरह से आप एक पूर्व नंबर वन निशानेबाज रहे हैं आप, लेकिन आज जिस तरह से जो प्रतियोगिता जीती है जिन निशानेबाजों ने, उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत ही अच्छा कंपटीशन था एंड लाइक टू कंग्रेचुलेट कर्नल राठौर, बहुत अच्छी बंदूक चलाई उन्होंने, 144 मारे 150 में से, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत हाई स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है जी। और फाइनल में उन्होंने 46 मार के टोटल 190 का स्कोर मारा, जो कि इंटरनेशनल लेवल में एक बहुत अच्छा स्कोर है जी। आप तो पूर्ण नंबर वन निशानेबाज रहे हैं, उसके बावजूद आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्यों जिस तरह से जो युवा हैं वो अब आगे आ रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ रहेगा संदेश, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूंगा कि एक शूटिंग में हमेशा आपकी जीत नहीं हो सकती है, हार जीत चलती रहती है, तो कभी डिसअपॉइंट ना होए, कभी अगर आपका स्कोर नहीं लग रहा है, एक मेंटल स्पोर्ट है, तो इसमें आपको मेडिटेशन की बहुत जरूरत रहती है और जितने से ज्यादा अगर आप मेडिटेशन करें उतना बेटर होगा हर किसी के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, समाचार प्लस के साथ बातचीत करे थे निशानेबाज रंजन सोढ़ी, जिनका कहना है कि हमेशा जीत नहीं होती, हार भी होती है और उससे डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। एथेंस ओलंपिक के रजत पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने विश्व के पूर्व नंबर एक निशानेबाज रंजन सोढ़ी और मोहम्मद असाफ को पीछे छोड़कर 56वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुषों के डबल ट्रैप स्पर्धा में सेना के राठौड़ ने क्वालिफाइंग में 144 और फाइनल में 46 का स्कोर बनाकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया है। वहीं डबल ट्रैप जूनियर वर्ग का खिताब सहारनपुर के शान मसूद ने जीता। शान सीनियर वर्ग में चौथे स्थान पर रहे। मसूद ने कुल 136 का स्कोर किया। और इस वक्त हमारे साथ खुद निशानेबाज राजवर्धन राठौड़ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राठौड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। विश्व के पूर्ण नंबर एक निशानेबाज रंजन सोढ़ी और मोहम्मद असाफ को पीछे छोड़कर आपने 56वीं राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, कैसा लग रहा है आपको? जीतना हमेशा अच्छा लगता है और शायद ये मेरा पुराना तजुर्बा है, जो स्किल और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसकी वजह से मैं मुकाबलों में जाके अच्छा कर सकता हूँ। और जहाँ तक बात रही मोहम्मद असफ और रंजन की, ये दोनों बहुत बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, मेरे टीममेट हैं पुराने, और तो एक तरह से बिल्कुल साथ ही हम सब तैयारी करते हैं और साथ अच्छा लगता है, एक साथ मुकाबला करते हैं, कभी हम हारते हैं कभी वो हारते हैं, तो ये सब सिलसिला चलता रहता है। जब तक की जीत भारत की होती रहे तब तक अच्छा जी। जब आप परफॉर्मेंस कर रहे थे उस वक्त आपको क्या फील हो रहा था, किस तरह से आप जो जीत का ख्वाब है वो पूरा कर पाएंगे, स्वर्ण पदक जीत पाएंगे? मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं अच्छा करूंगा। एक तरह से एक फीलिंग होती है खिलाड़ी के अंदर मुकाबले में जाने से पहले, उसको एक तरह से आभास रहता है कि मैं अच्छा करूंगा, एक तरह से ये भी होता है कि मैं जीत सकता हूँ, इस तरह का कॉन्फिडेंस मुझ में इस मुकाबले से पहले भी था जी। और तो ये अच्छा रहता है एक खिलाड़ी के लिए जी। राठौड़ जी, क्या कुछ मुश्किलें भी पेश आई आपको यहाँ तक पहुँचने में? देखिए, हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं और बाहर
बाहरी जो कहते हैं जो जो मुश्किलें हैं वो भी लोग खड़ी करते हैं, तो ये तो एक सिलसिला हमेशा बरकरार रहता है। और मेरे भी जीवन में बाकी खिलाड़ियों की तरह ये दिक्कतें आती हैं। ओलंपिक से पहले मेरे को पूरा यकीन था कि मैं बहुत अच्छे फॉर्म में आ गया था और शायद चलिए बीती बात है, लेकिन शायद मैं ओलंपिक्स में जाता तो जो जो पदक की जो 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 गिनती थी भारत के लिए वो शायद थोड़ी सी अलग होती, थोड़ी सी और बेटर होती, लेकिन वो पुरानी बात है। अब मेरा यही है कि मैं अपनी तरफ से खेल को और भारत को पूरा जो भी मेरे में मेरी क्षमता है उसमें उससे मैं एक तरह से मदद करता रहूं और एक एक तरह से पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बना रहूं देश के लिए। जी राठौर जी, अब अपने आप को आगे कहां देखते हैं? जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपके अंदर जज्बा है, जो मेहनत आपने की है, अपने आप को आगे कहां तक देखते हैं आप? खेलों से मैं हमेशा जुड़ा रहूंगा और एक सेना में मैंने ट्रेनिंग करी हुई है, तो इसलिए एक ये भी है कि खुद के लिए नहीं बल्कि बाकी सबके लिए अगर जीवन इस्तेमाल हो तो वो ज्यादा बेहतर रहता है, उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो खेलों को बढ़ावा देना है और साथ ही बहुत सारे जो युवा हैं भारत के अंदर उनको अगर मैं और बाकी जो मेरे साथी हैं अगर हम कोई दिशा दिखा सके ताकि वो अपनी ताकत अपनी एनर्जी सही दिशा में सही चैनल में लगा सके तो वो एक उपलब्धि होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। निशानेबाज राज्यवर्धन राठौड़ हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने एथेंस ओलंपिक के रजक विजेता हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और उन्होंने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा लिया है। समाचार प्लस भी कामना करता है कि आप जिस लक्ष्य की कामना कर रहे हैं आप उस तक जरूर पहुंचें।